اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقاته أن وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا ابا الفضل العباس عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد مجھے غریب نہ سمجھا کرو جہاں والو مجھے وجہ کیڑی دولت جدی وجہ توں میں کلیم کر رہا کہ میں غریب نہیں اس دولت تے توجہ کرو چا ابتدائے مجلس ہے بڑے روحانیت والے چار مصرتوں عظیم شخصیات دے سامنے میں ڈپٹ شروع کی تھی مجھے غریب نہ سمجھا کرو جہاں والو وجہ علی کا عشق ہی امکان کی امیری ہے کتنی بڑی دولت علی کا عشق ہی امکان کی امیری ہے جی میں اس مجلس دی نسبت مرحومین نال اور وچ زاکرین جنہاں دا اس گھر نال بہت تعلق ہے انہاں دے نام اگلیاں دو لینا میں شہدائے ملت جعفریہ نوں سلامی پیش کیتی ہے پورے ملک وچ خصوصاً شہدائے سیمن نوں بابا جی شہدائے سیمن نوں اگلی دو لائن چ سلوٹ بھی سلامی بھی علی کا عشق ہی امکان کی امیری ہے ہزار ظلم کرو میں علی نہ چھوڑوں گا خیرات علی ہاتھ میں ویکھنے بسم اللہ ہزار ظلم کرو میں علی نہ چھوڑوں گا وجہ میرا مزاج سقیفی نہیں غدیری ہے ہزار ظلم کرو میں علی نہ چھوڑوں گا او دی وجہ میرا مزاج سقیفی نہیں غدیری غدیری بن کے صلوات سونی سارے پڑھ دیں بسم اللہ بلکل سارے عزیز اور زواریاں دے ہم سفر شرازی بادشاہ دے میرا خالہ زاد بڑے زاکرین دی ایک لمبی لسٹ ہے جڑی محرم دے چند توں لے کے تے اس ویلے تک جڑی ساتوں وچھڑی ہے انہ سارا دے درجات دی بلندی واسطے اچھی صلوات پڑھو جی ہے مثال خالق اکبر پیر جی اسا مولا دی قسم ہے اسا مشرک نہیں
असां गाली नहीं, राजा जी असां काफिर नहीं, सारा बड़ा सोहना ते सुथरा जिहा अकीदा है, ओ अपने अकीदे ते असां कायम है, लेकिन ये अल्लाह नहीं, ये 5, 12, 14 ये अल्लाह नहीं, ये खुदा नहीं, लेकिन खुदा तो जुदा भी नहीं। बाबा जी अच्छे माहौल अच्छे लोगों च एक नज़म मैं चुनी है, बोलन बोलेगा ये रदीफे, कौन बोलेगा ते किस रंग च बोलेगा, न्याज हुसैन मिसाल खालिक अकबर हुसैन बोलेगा 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 मिसाल खालिक अकबर मसलन हुसैन कोई दलील बोलेगा बना के नेज को मिंबर हुसैन क्या बात है म्यारी लोगो अदब दे मोती हमेशा चुने ते निछावर कीते सादात मोमिनीन बोलेगा जितने तुसी बंदे बैठे हो नहीं वारा ही पढ़ान लगा खुदा दी कसम या लिया खन्ना ते पूरा एक ही चक सुने बल्कि कोट मोमन तक आवाज जावे मौला दा ना एक बारी चाहना है ते 6 महीने दे ताज तो अफसल सवाब है खुले ईमान आ रहा है दरी ली सैयद जी ने प्यार जिक्र दी जीनत बने करो यार मालिक तुनु सलामत रखे हुसैन बोलेगा ए नहीं बने 2-3 कलियां इस नज़म दी मैं थोड़ी झोली च पावणियां देखो बोलन बोलन दे मकाम नाल ना उस बयान दी ताकत वध वेंदी है एक बयान मंजी ते उदा होर मकाम है उहा बयान मसीत च खलो के उदा होर लेवल है लो जनाब मेरे बादशाहां दे बोलन दी पावर वेखनी है हुसैन दे बोलन दी ताकत वेखनी है मैं चेहरे पढ़ ले सिर चावे तो मैं बात पे करे ना बका के लिए हो गजा बिसै का सवाल बका जाए पीसा का सवाल खामोश होंगे पैगंबर हुसैन बोलेगा बोलेगा ते जो त्रै बंदे चुप बैठे ना इंशाल्लाह वो भी बोले हत्थी पौण वाली झगड़े वाली जाकरी नहीं 35-37 साल नौकरी तेरे सामने हवावा तो जो चल पियां मालकां दा जिक्र है जिम्मेदारियां अजीम मिंबर है दो अजीम सादात की मौजूदगी अजीम सामीन शिया सुन्नी दे मजमे च मौलवी कोल मैं पूछा कि किबला किसी नूं दायरे इस्लाम च लै आवण होवे तां पहला स्टेप किहड़ा है राजा जी परे पंचायत दे लोग मौजूद होंदे हो सिर चावें बोलण तेरी मर्जी दा पहला स्टेप किहड़ा है उहदे ला इलाहा इल्लल्लाह मैं आखिया ठीक असां भी मन गए सानू भी तस्लीम
कि कोई गैर मुस्लिम अगर दायरा इस्लाम में उस ले आओ तो पहला स्टेप ला इलाहा इल्लल्लाह मौलवी मैं तेरी सुनी एक तू मेरी सुन ले कह भी कोई ला इलाहा क्यों भाई कोई गुजारा होता पे शायरियाँ नहीं ओ कलाम नहीं भाई वक्ती तौर पर शोर शराबा ना ये दिल से नक्श होने लची सन मालिक तुम सलामत रखे चलो हूँ कुदरती जड़ा ये आखिरी शेर है ओदा तालुक है ही बोलने वाले बंदे ना ओ मैं मुल्क च करीमे करबला दे तोहफा गिफ्ट ओदा हूँ मेरी मजबूरी है उस गिफ्ट का तालो की बोलने वाले नाले मैं चेहरे पढ़ने तशरी की लोड़ नहीं इब्तदा सोनी हो गई रूहानियत कैमरा वे एंड तक सोना जिक्र वे हलाली मवाली शिया सुन्नी वो गिफ्ट तोहफा करी मैं करबला था मैं तेरी खिदमत छदिया पेश कर रहा ते मैं प्यार दा मेरे हुसैन की मजलिस में बोलने की मजलिस में बोलने वालों तुम्हारी कब्र के अंदर हुसैन बोले जी 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 बिस्मिल्लाह जनाब पढ़ देने हैं बिस्मिल्लाह तामील कर देने हैं मेरे हुसैन की मजलिस में बोलने वालों मेरे हुसैन की मजलिस में बोलने वालों तुम्हारी कब्र के हुसैन बोलेगा एक सलवात पढ़ दो एक पंजाबी जुबान की चीज एक नवा कलाम एक नवा कसीदा बाबा जी मैं पहले भी आखे कि असं मुशरक क्यों असं गाली क्यों असं काफिर क्यों वह वजह अकीदा में इस कसीदे च कलम का सफर है अकीदे दियां मंजलन जिथे कुफर होवे जिथे शिरक होवे गरेबान हाजिर है होर की है होर की है असं हाजिर है इत साफ वास्ते गरेबान हाजिर है अकीदा शुरू करता पिया इंसाफ तू कर ले सलवात सारे पढ़ो मैं अकीदा पेश करूं अहद जैदा कहा बिस्मिल्ला कुल हो वल्ला हो अहद एक नहीं अहद कोट मोमिन आले हो जड़ी नगरी का ना ही कोट मोमिन होवे ते उस वास्ते ते मिसरे सानी बड़ा करीब तू कबूल करे सो मैं प्यादा आहद जैदा खुदा होवे नबी सल्ले अल्लाह होवे आहद जैदा खुदा होवे
ले अल्लाह वे अहद जैंदा खुदा वे नबी सल्ले अल्लाह वे अहद जैंदा खुदा वे किथे कुफर जवानी माने किथे शिर्क अल्लाह तो वे नबी पाक मोहम्मद होवे मुशरिक क्यों भाई अहद जैंदा खुदा होवे और पीसले अल्लाह होवे ओह मोमिन होदे जैंदा ओह मोमिन होदे जैंदा अली मुश्किल कुशा होवे बोलो जिंदगी हमने शुक्रन शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र का माहौल सोना बनता जाता है इया चाहिदा होंदा है मार्फत होवे अकीदत तो रूहानियत होवे इस इलाके आले हो अल्लाह साडा आहद है मुहम्मद मुस्तफा साडे प्यारे नबी हैं तो कोड़े मुँह वाला अल्लाह ते मुहम्मद दे बात तसन वाली मनन दे जायज़ बात है अली अली करने पाते नबी दे बाद जमाने नू दसने जो मेरा अली वो क्या है जंगे खंदक है बहुत वड़ा उस जमाने दे एक हरामी नामवर पहलवान है ललकरें दा खलोता है बेशुमार गुस्ताखी गुस्ताखी उच्चा बोले दा पे मोहम्मद कोई जवान ही तो भेज अली उठे नबी बिठाए साज तकवी मुफसर कुरान है उन्होंने एक लफ्स आ गया चलो अकीदे वाले बंदे वो नाल लै वैसो मेरी कातू तो यह जुमला उच्चा आई लेकिन चूंकि एक मुफसर कुरान का जुमला है मैं थोड़ा बिच शरीक करदा जवान भेज न अली उठेन नबी बिठाया है इस गुस्ताखी होर बधाइए मुहम्मद जवान कोई नहीं आता आप आ अली फिर उठेन नबी फिर बिठाया है पता नहीं कहें दे कलेजे ते जरब लग सी ते कहें दा की दा मजीद खिल सी त्रीजी दफा इस गुस्ताखी दी टोन होर बधाइए मुहम्मद न जवान आने नहीं न आप आने अपने अल्लाह नू आख मेरे मुकाबले चावे नबी इशारा करके आदे अली होण जा हुण अल्लाह नू चैलेंज पे करें दई अल्लाह पढ़ा के ने सोरा मता कहदी तौहीद दे विच लड़दा पे वञे असा कोई वहाबी या नुसैरी या गाली है ना शिया मिंबर तू मैं जुमला आख है कि जरा इस अल्लाह नू चैलेंज किया ना नबी आदन हुण जा जो नफसुल्ला ही तू है ते वजहुल्ला ही तू है मुकदी है मेरी जलसे दी नौकरी मैं राजी मालिक राजी उमरे सोना माहौल बन गया पूरे इलाके के लोग जमाओ इस जंग च तारीख आदि अली टहल के टुरना शुरू किया मेहरबानी जैसे चेहरे तू चौधराहट नहीं पे पैंती ओदी दाद मैनू नहीं मिलती मैं कुछ करना चाह जरा सवालिया वाला अंदाज बना के बैठा है सिर चावे कुरान की कसम है अली टहल के टुरन अली किबला टहल के टुरन एदा तकबर होर वधे जो एक दरम्याने कद जवान मेरे मुकाबले चाहता पे इदा तकबर होर वधे करीब आई के कोई होर गुस्ताखी करेंदा अली हिक्के जुमले च इदे तकबर दे टुकड़े टुकड़े कीते न बाबा जी अजीम मदा खान हो इस जुमले दी दात ते दुआ मजमे दे नाल थारे कोल भी कुरान की कसम है अली दे सामने खलो के बड़ी बेपरवाही नाल अली पे आदन मैं अपने शिकार नू त्रै रियायता देना होना अगर हकायक न मन बात किताबी ना हो तो कण चकर याद है मैं जी बला नू उल्टा रियायता मेरे सामने तो छड़े कदम टिका लवना ये बंदे बहादरी गण देन तो तू उल्टा मैनू रियायता अपने जुमले नू खोल आख्या के
वजाहत कर इमरान दे चल अंगड़ाई लेके आखे चक पा के पया दिल जब पीर जी बदशाला इस शेर के अंत तक सारे इस कैफियत आ वजन तो बद कमाल हो वजे भाई आमिर पया दिन के मुतकबर के सामने गरूर करना ये सुन्नत अली है। हाँ न्याज हुसैन राजा जी अली दियाँ दो रियातं एक सत्र इसमें पढ़ियन अगली रियात तवज्जो कर अली दी फसाह तो बलागत वेख मैदान वाली ते कमाल लुत्फ चाया लुटियां गई अली दियां दियां उजड़ गई कौनैन दियां शहज़ादी बलोल बलोल जमादी उसानी दियां निस्बतां कुछ पाक बीबियां नाल हैं जनाबे सैयदा नाल तो है ही है ये महीना बीबी दी आमद दा भी है शहादत दा भी है एक होर तारीख गुजरती है दे तेरह वो निस्बत एक वफादार मस्तूर नाल है जिंदा नाम उमल बनी ने मैं इन दिनों बीबी का तस्करा किसी ना किसी रंग किया है बस जाए तो कोई कसीदा पढ़ छोड़िया बीबी का और बस जगह तो कोई दर्द इस बीबी का तो मालिक थोनू इज्जत देवे इतना रूहानियत परवर माहौल पीर बादशाह इया उमल बनी ने बुरदी दी गिरदा वेल है अपने सोहने ते वफादार पुत्र नू बाकी पूरे वेड़े तो वखरा करके ना जवानी माने मेरा चन बाकी घर तो वखरा करके अपने सामने बिठा के ते बीबी एक बात कीती है बजुर्गों दी मेहनत तेरी जिंदगी तेरी आस ते नान के वतन विचू तेरी आस फकत और फकत तेरी आस ते नानके वतन विचू पिया टुरदई पुत्र अली दा ओ पुर अमन महौल दिया पलिया को एक आस रहे तै मसैब कोई जाकरी मनावण वास्ते तो नहीं आते झोली तो फैला ना जितनी मोहर लगी है खैरात नहीं ओ पुर अमन महौल दिया पलिया को एक आसर क्या वफा है क्या मकाम है वफा है बता दिए ही भी पहला सफर सकीना दो फरमान ही माँ उजड़ी दा
तेरी जिंदगी विच महफूज रवे परदा खातू क्या बात है भाई जियो मेरे बच्चे ठहरो भाई न्याज हुसैन इतना सोना वफा दा सबक दे के ना लेकिन वाती रोई पई है आदि अब्बास मेरा सोना बचड़ा जरा मेरे नाल टुर बा अदब औलाद वांगू मेरे मौला गाजी ने अपनी पाक मादर ग्रामी दे पीछे टुरना शुरू किया है गाजी महसूस किया है जो मेरी माँ मेरे अगे टुरदे ही आने ते उमल बनीन रोंदी भी आती है है बड़ा अमीर वो बंदा जी हाय नहीं निकली बिस्मिल्लाह जिन्हें हाय की है मालिक कबूल करे भाई सलामत रहो गाजी थोड़े जे कदम बधा के ना माँ दे अगू वाले पैर न पिस अम्मा अम्मा रोंदे क्यों हो अम्मा क्या मेरा नाल होना काफ़ी नहीं पुत्र दे हाथ चा के अपनी अखी तला के चुमेंदी है अदियो मेरा वफादार बचड़ा पता नहीं केड़ी वजह है मेरी तसल्ली नहीं पई आउंदी जड़ी जाखरी ते कह लो क्या बात है थोड़ी रूहानियत दी बाबा मेहदी शाह जी उसले गाजी हाथ जोड़ के अम्मा हुक्म करो थोड़ी तसल्ली मैं किवें करावां शियो बीबी आदि एक मकाम ते मेरे नाल वादा कर मेरी कोई तसल्ली होवे सी टुरदे टुरदे जन्नतुल बकिया च एक कबर दी पवानी आ के आप ही बैठी है इशारा करके आदि सुनने न कहती कबर है वजूद कंबे गाजी दा अम्मा मैं ना सुजाना तो कौन सुजाने ऊंदी कबर है जड़ी अपने हत्था नाल मेरे चोले अल्हम्दुलिल्लाह खैरात मिल गई गाजी बीबी दे एहसान जेहन च ही नहीं ना इस बीबी दी इज्जत मकाम अजमत जेहन च ही ना हम बिल्कुल अब्बास वत मेरा हाल ना दवें दे गाजी यह तो मौका है यह तो मकाम है जिथे मेरी तसली करावनी आई शियो अब्बास दे दो में कंपते हुए हाथ बतूल दी कबर ते आएन अम्मा हुण हुकुम पुत्र दा मत्था चुम के आदि तेरे जींदियां जे थी कैद गई दो आलम दी शहजादी ओ वदा हर कोई आख सी रोल गई है ते अब्बास दी मुर अमीर बन के नहीं ना यार सलाम है तुहानू इथा ही सलाम कर जावा खैरात मिल चुकी है लेकिन एक वैन है चूंकि भाई आमिर अजकल तो नसरी भी अक्सर इख्तिताम वैन ते कर रहे हैं और उद्दे विच एक रमज़ है उद्दे विच बुजुर्गों की एक रमजिया एक राज है चूंकि वैन का तलुक है मातम नाल तां राजा जी बानिया ने मजलस मौला थोनों सलामत रखे सेहत उमने रोमन की खैरात पिनते बैठे हो एक मातम की खैरात ही पिन लो अपना नाम मातमी लिखा लवीए अगर अमर करो तो मैं एक होका पढ़ने मजबूर जरनेल दा होका मजबूर जरनेल दा होका केड़े टाइम दा इसे बुर्दी दीगर यावत शाम जना गाजी अपने हत्थां दी लिखी हुई फहरिस्त लिखी भी खुद इस तो जड़े जाकरी रमजान जानते हो लिखी भी खुद इस मेरे बाद दो अदीब जाकरां दी मौजूदगी और दिल मुतमैन होंदा है ऐसी अदब दी जाकरी जड़े जाकर कर दें और फकत रोवावण वास्ते इडूर दे आसरे नहीं लेंदे मेरा सलाम है ना जाकरां नूं इज्जतदार लोग आओ मजबूर जरनैल दा होका लिखी भी फहरिस्त खुद दस पीरबानी शाह जी लिखी भी खुद दस लाल खान ना भी चाहता खड़े ते हुसैन दा हुक्म भी है कि गाजी जड़ी मस्तूर दा नाम तैं पुकारना है फकत हुआ मामल तो टुरे अज दी मेरी मजलस दा जड़ा एक खास रमजिया लफ्ज़ है जड़ा ना लिखा था सब तू पहले आस पता नहीं इस ना दे चावण वास्ते गाजी नू कितनी जुरत चाहिदी है जड़ा ना सब तू पहले लिखा आस बाकी ना चाहता खड़े
ये ना जान के पीछे करेंदा खड़े है। जना बाकी नाम मुक गए ना, क्या बात है यार, जना बाकी नाम मुक गए ना। आवत सुन हुण अपने पीर दा ओ दर्द भरा होका, जना बाकी नाम मुके ना। मेरा पीर हुसैन खड़े आदन गाजी, गाजी भावें औखा हो सें लेकिन गाजी ए ना भी चावण तो है ही, क्या बात है गाजी चा। आओ भाई करिए मातम, आदा खड़े आलिया बिनत अली असी रहे शाम। इनू गाजी ना चाहे माली आला लिख दे, बीबी दे बुरके दा एक कोना जमीन ते लकीरां दा खिचेंदा है। बीबी आहिस्ता आहिस्ता कदम हवेली दे दरवाजे तो चामने शुरू कीते, जब तक दरवाजे तक बीबी टुरी है उस वेले तई गाजी अपने आप ते कंट्रोल कीता है। ओ मातमियो करी भाई पीर जी, जो आलिया दा पहला कदम अपनी हवेली तू बहर आंदा, गाजी दे सबर दे बन टुटे नी, दौड़ के मकान दी छत चढ़े वाल खुल गए, रो रो के पिया दे ओ बीबी बहर शलावत शिया दन होवे जड़ा हुण सीने ते ना आवे। गाजी दा होका मजबूर जरनैल दा होका ओ बीबी बह कोई सबरा वाले कोई जलालिया वाले, तू तो है ही जलालिया वाला। तेरा ये ले जा था मदीने दे दर दीवार पहले सुना ही नहीं, आज तेरे ले जे चितरा दुख क्यों है, मर कोई ना वैसी अब्बास दी ठा निकली है ते भरे मदीने च। रो के अगला होका गाजी आखे रो के पिया दे हिकला हाय अब्बास। अच्छा बाबा पीरा मेरे शाह हुकुम जी, अच्छा सही रो के गाजी पिया दे बैके जिगर कुखा दी इक टुरन दी डा